गुड मॉर्निंग, नाश्ते में क्या है? इस महीने का हिसाब कर रही हूँ। ओह अच्छा, अच्छा हिसाब में ना मेरे दो नए स्पीकर भी डाल देना। 3 महीने पहले तुमने नए स्पीकर्स खरीदे थे ना सुमन? यार उनमें वो फील नहीं आ रही है, वो जो करते रहते ना वो एक्चुअली होना चाहिए। हम ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। फिर तुम क्यों हर महीने पैसे उड़ाती रहती हो ये फलों पर? सुमित तुम्हें आइडिया भी है, मैं कितनी मुश्किल से पूरे घर का खर्चा मैनेज करती हूँ। तुम इतना कैजुअली लेते हो लेकिन सचमुच बहुत मेहनत लगती है। यार सुबह सुबह लेक्चर मत झाड़ो, मर्द मैं हूँ, कमाता मैं हूँ, तो खर्चा करने का फैसला भी तो मेरा होना चाहिए ना। तुमने ठीक कहा सुमित, अब से फैसला तुम्हारा ही होगा। इस महीने से पूरे घर का खर्चा तुम संभालोगे। सॉरी मैम, मेरा नहीं, 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 तुम भर दो, तुम संभालोगे। माया मैं कैसे करूंगा यार, तुम जानती हो कि मुझे मैथ से कितना डर लगता है। माया माया बेटा, अगली बार अगर तुम्हें देखे ना कि पापा बकवास कर रहे हैं तो उनको खींच के मुक्का मारना। दो बार। यार हाँ जी, हाँ कौन से बैट्समैन का क्रिकेट स्कोर टैली कर रहे हो आप? तंग मत कर, मैं घर का हिसाब किताब कर रहा हूँ। क्यों, माया ने तलाक दे दिया क्या? अभी तक तो नहीं। तो फिर ये सब काम तो वही करती है ना? अरे वो चूचू कर रही थी कि ये सब बहुत मुश्किल होता है, मैं चौड़ा हो गया, फंस गया। मतलब तू हमारे साथ मैच देखने नहीं आ रहा है? मैच? अबे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अबे वो तो शुरू होने वाला है। तू भूल गया और गया, नहीं गया। देखना है अभी मैं, खत्म। सुन अभी भी टाइम है, माया को फोन कर, सॉरी बोल, खत्म कर। चल हमारे साथ, ये क्यों पचड़ों में पड़ा रहता है, हर बार ऐसे ही करता है यार। हाँ तू फोन कर। अगर मैंने फोन किया तो वो जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाएगी। तू मुझे 10 मिनट दे दे, मैं ये सब निपटा दूंगा। सुमित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। दोस्तों सुमित गणित कर रहा है, ऐसे नाजुक घड़ी में इसे हमारे मॉरल सपोर्ट की पूरी जरूरत है, तो आओ इनकी हौसला अफजाई करें। बिल्कुल सुमित 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 अब तुम ये धूप का चश्मा उतार सकते हो। कूल लोग चश्मा कभी नहीं उतारते। तुम कूल हो? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने हमारे घर का सारा हिसाब चुकता कर दिया। सारा हिसाब? मतलब सारे बिल्स भर दिए? माया प्लीज, सुमित वालिया कभी भी कोई भी काम अधूरा छोड़ता है क्या? ऐसा हिसाब पूरा किया कि भिंडी बैंगन के साथ साथ कई और चीजों के लिए पैसे निकल आए। फ्रेंड्स सुमित, तुमने ठीक से मैच किया ना? रिसीट दिखाओ, जो बिल पे किए उनके SMS आए होंगे फोन पे। मेरी इंसल्ट मत करो, मर्द समझदार। वो सब तो ठीक है लेकिन ये स्पीकर कहाँ रखना? अभी इधर रखो, मैं बेडरूम में जगह बना देती हूँ। ओके। सीखो बेटा, ऐसे वाइफ को हैंडल करते हैं। सुन तूने वो पेमेंट के SMS चेक किए थे ना? पागल हो गया क्या? ये लोग दिन के 150 मैसेजेस भेजते हैं, कौन चेक करेगा? वो एक बार देख लेना, माया की तरह तेरे गणित पे मुझे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है वैसे। ठीक है स्पीकर खोल। हाँ जी क्या हुआ? यार ये बिजली के पेमेंट में एक और 0 कहाँ से आ गया? तूने बिजली के बिल में 2.5 लाख रुपए दे दिए? नहीं यार, 3 महीने के लिए 25,000। देख 2500 और एक और 0,
2.5 लाख तेरे लग गए। अरे अब क्या होगा? कुछ नहीं, बिजली की कंपनी को कॉल कर और तमीज से सॉरी कह दे और रिफंड मांग ले। तो मतलब कल परसों तक पैसे वापस आ जाएंगे ना? 1-2 महीने लगते हैं रिफंड के लिए। 1-2 महीने? तब तक मैं घर कैसे चलाऊंगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? भाई तेरे बच्चों का तो पता नहीं, तूने तो जूते खाने। तेरे बिजली का बिल, EMI, सब में गड़बड़। तू गया। एक उपाय है, माया के पैर पकड़ और रहम की भीख मांग। अब तो वही तेरी डूबती नाव बचा सकती है भाई। क्या हुआ सुमित? कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? क्या बात कर रही हो, सब सुपर कूल है। सुमित कैसा लग रहा है ये शेर? बहुत डार्क है। बहुत बढ़िया है ना? पार्लर वाली कह रही थी ये लेटेस्ट शेड है, कटरीना भी यही लगाती है। पार्लर? कितने का बिल फाड़ा तुमने वहां पे? मैनिक्योर और नेल पेंट को मिला के यही कुछ 1000 रुपए। 1000? माया हम ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हीं ने तो कहा था। अब तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है तो एकदम से रिस्पॉन्सिबल बन गए। वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमने ये सब किया कैसे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये किया कैसे। क्या हुआ सुमित? नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि तुम्हें टेंशन नहीं रही, तुम हंसती खेलती रहो, अपने नाखून रंगवाती रहो, मुझे और क्या चाहिए। कितने स्वीट हो सुमित। है ना, मैं तो हूँ ही हेल्पिंग टाइप का। पता है जब मैं हिसाब करती थी ना बहुत डरी डरी रहती थी कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें हिसाब को लेके बहुत परेशान किया ना बेबी। आई एम सो सॉरी। लेकिन अब तुम सब संभाल रहे हो तो मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। सोनू। क्या हुआ? सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बस ऐसे ही बैठ ना, कुछ खाएगा? समोसे। कितना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। वो तेरी गुल्लक थी ना शंभू बंदर की शेप में जिसमें तू पैसे बचा के रखता था, वो अभी भी है क्या? तेरी नजर मेरे शंभू बंदर पे क्यों है? भाई हूं तेरा, बताना यार। वो भर गई और वैसे 5 शंभू बंदर और भी। मैं तो बचपन से ही जानता था कि तू कितना स्मार्ट है, गैरिंग है, बस लोग ही इस हीरे को पहचान नहीं पाए। कुछ उधारी दे सकेगा? उधारी? बस ज्यादा नहीं, 2.5 लाख। 2.5 लाख? सट्टा। नहीं यार। दारू? बैटिंग? कोकेन? नहीं यार। ओ, गर्लफ्रेंड बना ली है तूने, है ना? माया को धोखा दे रहा है? मैंने मार मार के ना मुर्गा बना देना तेरा। नहीं सब ठीक है। सब ठीक है जी, तो सब ठीक है। तुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, माया मिल गई यही बड़ी बात है, दूसरी लड़की कहाँ से आएगी। बस कुछ पैसे चाहिए इस महीने के लिए। देख प्लीज माया को मत बताना। माया को क्यों ना बताऊं? क्योंकि क्योंकि अच्छा अब समझा, क्योंकि प्रॉब्लम तेरी नहीं माया की, तू चिंता मत कर। बता मुझे क्या किया माया ने? नहीं मतलब हमारी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करना ठीक नहीं होगा ना। मैं तेरा भाई नहीं एक पुलिस वाला भी हूँ सुमित, ऐसे नाजुक मामलों को कैसे संभाला जाता है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बता क्या प्रॉब्लम है माया की? प्रॉब्लम उसे मतलब शॉपिंग है ना, हर घर की ये प्रॉब्लम है, पत्नी शॉपिंग के पीछे पागल, पति का दिवालिया, फिर घर बर्बाद, पति की आत्महत्या,
बच्चे अनाथ। माया ऐसी निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुमित तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे अनाथ हो भी गए ना तो मैं उन्हें बाप की कभी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन फिलहाल पैसे। हाँ बिल्कुल, 2.5 लाख में काम हो जाएगा। हाँ और तू भाई तू ठीक है ना? मेरा तो बस चलता है जैसे तैसे, चिंता बस माया की लगी रहती है रात दिन। माया कितनी लकी है कि उसे तुझ जैसा पति मिला। आप लोग? रजनीश कहाँ है? उसे ड्यूटी पे जाना पड़ा लेकिन तेरे लिए छोड़ गया। थैंक गॉड। मोनू तू हमें कुछ बताना चाहता है? जैसे कि? जैसे कि तू अपने भाई से 2.5 लाख रुपए क्यों ले रहा है? आवाज नीची रखिए, माया सुन लेगी। मोनू अगर माया को कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाता, मुझे बताता। अरे मैं सास हूँ उसकी, मैं मदद कर देती। यार सोनू ने सब उगल दिया। अरे कम से कम वो माँ से बात तो करता है, तू तो अपनों से भी सब कुछ छिपाता रहता है। अरे मैं तो सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि सोनू के पास 2.5 लाख रुपए आए कहाँ से, और अगर उसके पास इतने रुपए थे तो वो मेरे घर का किराया क्यों नहीं दे रहा? अरे अपने बेटे से किराया लोगे? क्यों नहीं लूंगा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है बेटे से, क्या मैं तो तुझसे भी लेने की सोच रहा हूँ। उससे किराया लोगे? मम्मी जी बाबा जी प्लीज पैसे दीजिए और जाइए, माया आती होगी। मुझे ना माया पे पहले से ही शक था। वो फैशन वैशन का भूत सवार है ना उसके सर पे, हमेशा बच्चों को घुमाने के बहाने मॉल चली जाती है और गुलछड़े उड़ाती है तेरे पैसों से। मम्मी जी चिंता मत करो, अब जो भी है मैं संभाल लूंगा। चिंता मत करो। अरे चिंता कैसे न करूं, तेरे घर का हिसाब भी तो वही देखती है ना, सारे पैसे लुटा दिए तो तू तो रास्ते पे आ जाएगा ना। नहीं हिसाब वो नहीं देखती, अब मैं देखता हूँ। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा, शाबाश, क्योंकि माया को पैसे देने का मतलब है किसी शराबी को शराब पिलाना। अरे पापा जी मम्मी जी कैसे हैं आप? माया क्या ड्रेस है? थैंक यू, मैंने नेल पेंट के शेड से मैच किया है, क्यूट ना? वेरी क्यूट। सुमित थोड़ा कैश है क्या तुम्हारे पास? कैश तो नहीं है। ओ, वो मॉल जाना है, आलिया के स्कूल का सामान खरीदने, और एटीएम कार्ड भी नहीं मिल रहा है। अच्छा मॉल जाना है। पापा जी थोड़ा सा कैश होगा? नहीं है मेरे पास, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास तुझको देने के लिए। पापा जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो पापा जी को आज दही कचौड़ी हजम नहीं हुई। तुम एक काम करो, तुम मेरा ना एटीएम कार्ड ले लो, ठीक है? अरे पूरा कार्ड दे दिया। सोचती हूँ लगे हाथों नया डायमंड का सेट भी बनवा लूं। नाइस जोक। बाय। अबे क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, अपनी पत्नी पे धाड़ने की बजाय उसको एटीएम कार्ड दे दिया। मोनू मैं जितना लोगों को बोलता था ना तू उससे ज्यादा मूर्ख निकला। हाँ मैं मूर्ख हूँ। तू कहाँ जा रहा है? ढेला नहीं अकाउंट में, माया एटीएम कार्ड यूज करे उससे पहले बैंक में कुछ पैसे डाल देता हूँ। शादी के वक्त इसे कहा था तेरे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये, पछताएगा। भगवान का शुक्र है मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। Thank you.
सोने कब आओगी? जब तुम्हारी इन सब गलतियों को ठीक कर लूंगी। मतलब कुछ ही मिनटों में, है ना? माया प्लीज, तुम मुझ पर चिल्ला दो, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो तुम्हारा साइलेंट वाला गुस्सा है ना, मुझे इससे और डर लग रहा है। एक बात है सुमंत। हाँ माया बोलो, जो भी है तुम्हारे दिल में। तुमने इतनी मेहनत की अपने झूठ को छुपाने में, अगर उतनी ही मेहनत हिसाब करने में लगाते तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरी गलती नहीं है माया, ये जालिम मैच का नाम सुनते ही मेरा सर दर्द करने लगता है। सचिन तेंदुलकर ने कौन से कंट्री के खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, इंग्लैंड के खिलाफ सचिन ने 53 इनिंग्स में 2535 रन बनाए थे, जिसकी एवरेज अप्रॉक्सीमेटली बनती है 51 point something। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 इनिंग्स में सचिन ने 3630 रन बनाए, जिसकी एवरेज बनती है 55। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट में हिसाब करते वक्त तो तुम्हारे मैच का कोई मुकाबला नहीं है। एक्चुअली तुम्हें मैच से डर नहीं लगता, तुम ये काम करना नहीं चाहते थे। तुम बिल्कुल अवि और आलिया की तरह हो, वही करते हो जिसमें मजा आता है। मुझे भी हिसाब करने में मजा नहीं आता सुमित, फिर भी मैं करती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि तुम सुलझी हुई हो, मैच्योर हो, और मैं अभी भी बच्चे के बच्चा हूँ। अगर तुम नहीं होती ना तो ये घर पागलखाना बन जाना था। तुम ऐसे ही कह रहे हो। नहीं माया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन कामों की कदर नहीं करता, पर मैं करता हूं, सच में करता हूं। थैंक यू सुमन, तुमने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। यही तो मेरी प्रॉब्लम है, आधी बातें पेट से मुंह तक पहुंचती नहीं है। अब एक बार कह दिया है तो कहते रहना, अच्छा लगता है। दिल से माया, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं। ओके सुमित, बहुत ही ज्यादा। हमेशा करता रहूंगा। माया बेटा, जरा तेरा क्रेडिट कार्ड दे। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? नहीं, इनके बैंक से ना नया कार्ड आया है, पर मुझे लगता है नकली है, जरा मिला के देखना। हाँ जरूर। ये देख। ये? पापा जी, ये क्या किया आपने? एक शराबी से उसकी शराब छीन रहा हूं, एक दिन तू थैंक यू बोलेगी मुझे। माया, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं। बम 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 बारा बिली बिली बम बे बिली बम 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 बे ओ बम 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 बारा बम 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 बम।
बम 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 ब